शौक में आ गया था। मैं आप लोगों से एक बार शेयर करना चाहता हूं कि खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है विश्वास का रिश्ता। और पूरी दुनिया में घूम आओगे, पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ इसलिए देखती है कि भारतवर्ष का सबसे प्लस पॉइंट अगर कहीं है तो जनसंख्या है। और इतनी हम लोग जनसंख्या में रहते हुए हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारी जान की क्या कीमत है। जान की कोई कीमत ही नहीं है। मैं भीड़ से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। आप 200-200 लोग 100-100 लोग लाठी डंडे लेके जिस तरीके से हीरो बन जाते हो, मर्द बन जाते हो, और बूढ़े और जवानों पे 2-2, 3-3 लोगों को घेर के जिस तरीके से हैवानों की तरह, गिद्धों की तरह आप लोग लाठी डंडे चलाते हो ना, अगर आप मर्द हो, सच्चे पढ़े लिखे हो तो एक पे एक भिड़ो ना किसी से, है दम आपके अंदर। ये मत करो भीड़ में 1-2 लोगों को देख के उन पे जिस तरीके से भीड़ अपना तंत्र आप लाठी डंडों से दिखाते हो, ये गलत है। एक मुसीबत कहीं कोरोना की, कहीं किसी परिवार की मुसीबत, किसी के बच्चों की मुसीबत, किसी की कहीं की मुसीबत, किसी की मुसीबत, मुसीबत मुसीबत मुसीबत, और उसके बाद भीड़ आप सबसे बड़ी मुसीबत। शर्म करो आप लोग। जिस दिन आप अकेले में किसी को मारने के लिए मर्द बनोगे उस दिन मैं आपके चरण छूंगा। लेकिन 2-2 लोगों को घेर के 100-100 लोग लाठी डंडे दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आपसे बड़ा नामर्द, आपसे बड़ा कोई भी जो बोलते हैं ना कमजोर, आपकी कमजोरी की निशानी है। आप 1% लोग नहीं हो पूरे भारत में, और पूरे भारत को विश्व के सामने शर्मसार कर देते हो ऐसी टुच्ची सी हरकतें करके। और वर्दी, मैं आपको तो प्रणाम करता हूं। मेरा सपना है कि हमारी वर्दी पूरे विश्व की एक प्रेरणा बने विश्व के लिए। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में घटनाएं बहुत देखी, लेकिन 3 दिन में मुझे शॉक इस बात का लगा कि ये पुलिस वाला किसी का हाथ पकड़ के भीड़ को कैसे दे सकता है। मतलब ये विश्वास खत्म हो जाएगा, तब तो कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। जब कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा तो समझ लो हमारा और आपका सबका फेस्टिवल मनाते रहिए। मुसीबत को भी फेस्टिवल में ले जाइए, इसको भी फेस्टिवल में ले जाइए, जितने त्योहार हैं उनको भी फेस्टिवल में ले जाइए, मुसीबतों को भी फेस्टिवल में ले जाइए। लेकिन ये याद रखिए कि विश्वास एक दूसरे के प्रति बनाए रखिए, विश्वास मत तोड़िए। जिस दिन विश्वास टूट जाएगा ना, उस दिन हम भीड़ में कितने भी रहेंगे लेकिन सब एक दूसरे से डरे हुए रहेंगे। और अगर एक दूसरे से डरे हुए रहे तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जनसंख्या जिसकी पूरे विश्व की जिसकी पहचान हो कि हमारा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और वो जनसंख्या एक जनसंख्या दूसरी जनसंख्या ऊपर किस तरीके से टूटती है, मत करो ऐसा। कम से कम जंगल में जानवरों से हमें सीख लेना चाहिए कि कबीले में रहते हुए एक दूसरे का अपना अपना सब सिस्टम फॉलो करते हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। ये कुकृत्य जो हुआ है हमारे देश में कि जिसमें पुलिस ने हाथ से लेके भीड़ के सामने किसी को छोड़ दिया, वो किसी भी परंपरा के, किसी भी कपड़ों के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, छोटे बड़े, आप अमीर गरीब, लेकिन जान की कीमत करिए, अन्यथा आपकी जान की वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरे विश्व में।